ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। जिस तालिबान को लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि ये तो अपना शासन प्रशासन नहीं चला पाएगा, अर्थव्यवस्था का क्या करेगा, कैसे अफगानिस्तान को संभालेगा, दुनिया इसके के दबाव में ये बिखर जाएगा, उसको धता बताते हुए तालिबानी प्रशासन जिस दिशा में काम कर रहा है, जिस तरह से पब्लिक डेवलपमेंट की स्कीम्स चला रहा है और जिस तरह से उसने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के खेल को क्रैक किया है, वो बहुत अभूतपूर्व है। तालिबान की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि बकायदा रेल नेटवर्क के जरिए बीते महीने बहुत अहम एक्सपोर्ट किए गए हैं दुनिया के दूसरे देशों को, और जानकारी ये है कि तकरीबन 347,000 टन सामान अफगानिस्तानी रेलवे के जरिए बीते महीने एक्सपोर्ट किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक वर्क्स के तरफ से जो जानकारी दी गई है वो ये कि तालिबान प्रशासन में रेलवे सिस्टम जो है वो बहुत बेहतर हुआ है, और यही वजह है कि तकरीबन 347,000 टन सामान जो है वो अफगानिस्तान रेल नेटवर्क के जरिए इधर से उधर किया गया है, जिसमें नॉन पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं और इसमें ड्राई फ्रूट्स, मिनरल स्टोन्स, फ्रूट जूस शामिल हैं। और बताया ये भी जा रहा है कि पेट्रोलियम के भी सामान जो हैं वो भी एक्सपोर्ट किए गए हैं। बताया ये गया है कि जो ट्रांसपोर्टेशन वॉल्यूम है वो अफगानिस्तान रेलवे लाइन के जरिए जो है वो हैरातन पोर्ट से 245,480 टन, अक्वीना पोर्ट से 49,121 टन, तुरगंदी पोर्ट से 52,181 टन, खाफ हैरात लाइन से 780 टन। तकरीबन अभी 260 किलोमीटर से अधिक एक्टिव रेलवे लाइन इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद है जिसे तालिबान ऑपरेट कर रहा है, और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके पहले भी भारत पाकिस्तान तक अफगानिस्तानी प्रशासन जो है तालिबान का वो भेज चुका है, एक्सपोर्ट कर चुका है प्याज, और इससे जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वहाँ का वो काफ़ी उत्साहित है, वहाँ के किसान काफ़ी उत्साहित हैं। तो जिस तरह से दुनिया को कनेक्ट करने में ये कामयाबी पा रहा है और जिस तरह से रेलवे नेटवर्क को डेवलप करने पर जोर दे रहा है अफगानिस्तानी प्रशासन, उससे कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा है तालिबानी प्रशासन को, और यही वजह है कि जो तालिबान का प्रशासन है वो लगातार अपनी मजबूती की दिशा में काम कर रहा है। तमाम दुनिया के प्रेशर्स के बीच में, तमाम रोक टोक के बीच में वो इस तरह के काम को अंजाम देने में कामयाबी पा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप देख रहे थे